नमस्कार लवली हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपको गायत्री महायज्ञ का तस्वीर हम दिखाएंगे जो नरार कलवाही प्रखंड में हो रहा है और 801 कन्याओं के साथ कलश शोभा यात्रा निकाला गया था और आज अंतिम दिन है। कलवाही प्रखंड के नरार गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि यह नरार का मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय है जहां धूमधाम से गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। एक मेला भी लगा हुआ है और आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग कितने इच्छुक हैं, भक्ति भाव में डूब रहे हैं। आपको आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर मुख्य यज्ञ स्थल है वहां की सीधी तस्वीर दिखाएंगे और नरार के मध्य विद्यालय में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहां पर दुर्गा पूजा में भी काफ़ी भीड़ लगती है और देख सकते हैं कि बहुत ही धूमधाम के साथ यह यज्ञ मनाया जा रहा है, हवन किया जा रहा है और मेला की तस्वीर आप देख सकते हैं। और नरार का यह भव्य दुर्गा मंदिर यही यज्ञ स्थल है जहाँ पर यज्ञ और हवन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि 24 कुंडीय महायज्ञ जो नरार में हो रहा था आज उसका समापन होने जा रहा है और यही यज्ञशाला है। बहुत ही भव्य रूप से आप देख सकते हैं मेला का भी आयोजन बहुत ही भव्य रूप से किया गया है। बने रहिए, आपको आगे भी तस्वीर दिखाएंगे लवली हिंदुस्तान के माध्यम से।
और देवेंद्र प्रसाद यादव यहाँ पधारे हैं। आप देख सकते हैं गायत्री महायज्ञ में हमारे राम सागर राम शंकर सिंह भाई साहब नहीं आए, पता नहीं क्या उनकी नाराजगी इनके हृदय में। आपको आना चाहिए झारखंड से भी, यहाँ एक से एक आपको तीन दिन के भीतर चार दिनों से लगातार आप लोग प्रवचन और गायत्री परिवार का जो आदर्श है और जो जन चेतना है, अंतिम चरण में और भी जो कुछ कार्यक्रम बाकी है, इस बीच में हम दीवार बनना नहीं चाहते। हम इतना ही कहेंगे, धार्मिक वही है जिसमें पांच गुण में से कुछ गुण होना जरूरी, दया, अहिंसा, सत्य, करुणा और प्रेम, मोहब्बत। मोहब्बत सबके प्रति, मोहब्बत का मतलब है पशु पक्षी के प्रति भी, जो हरा पेड़ है उससे भी मोहब्बत होना चाहिए। हमारे समाज में सबसे पहले हरा पेड़ को काट डालता है। जब एक इंसान इंतकाल हो जाते उसको काट देते हैं, जबकि धर्म में फलदायक वृक्ष को काटना भी पाप माना जाता है, लेकिन हम इसको परहेज नहीं करते। इसलिए गायत्री परिवार में जो दर्शन आपको मिला होगा उसमें मैं कुछ नया चीज जोड़ना नहीं चाहता हूँ, जितनी चीज है वो तो समुद्र है। लेकिन और मेला का आनंद तभी आता है जब मेला में जलेबी खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। आप देख सकते हैं कि जलेबी छन रही है और आप भी मेला आते होंगे तो जलेबी पर जरूर ध्यान जाता होगा, जो हमारा राष्ट्रीय मिठाई है। और निष्ठान से यह मेला सजा हुआ है गायत्री महायज्ञ के दौरान इस मेला का आयोजन किया गया है। नमकीन निष्ठान जो भी है आप देख सकते हैं कि मेला में बना हुआ है। तो कलवाही प्रखंड के नरार गांव से गायत्री महायज्ञ की तस्वीर आप लवली हिंदुस्तान के माध्यम से देख रहे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।